सूरज का तेज भी फीका पड़ता था जब राणा तू अपना मस्तक ऊंचा करता था। थी राणा तुम में कोई बात निराली, इसीलिए अकबर भी तुझसे डरता था। मनुष्य का गौरव और आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है, अतः सदा इसके रक्षा करनी चाहिए। धन्य हुआ रे राजस्थान जो जन्म लिया यहां प्रताप ने, धन्य हुआ रे सारा मेवाड़ जहां कदम रखे थे प्रताप ने। नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी को मैं महाराणा प्रताप जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का राशिफल कार्यक्रम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2 जून गुरुवार महाराणा प्रताप जयंती राशिफल की। प्रिय साथियों, आप मुझसे अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 जून को पटना हूं, 4 जून कोलकाता, 5 जून दिल्ली, 9 जून मुंबई, 10 जून नागपुर, 11 जून पुणे और 12 जून को बेंगलुरु रहूंगा। उसके बाद 15 से लेकर 21 जून तक मैं रहूंगा पेरिस में, उसके बाद एम्स्टरडेम ब्रसल्स में, 22 से 27 जुलाई इटली रहूंगा, 28, 29, 30 जून को मैं स्विट्जरलैंड में रहूंगा। उसके बाद 1 से लेकर 7 जुलाई तक लंदन, लेस्टर, बर्मिंगम और मैनचेस्टर की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो वहां पर पर्सनली मिल सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरु मंत्र में आज क्या है खास। तो ये गुरु मंत्र हमेशा आपको नोट करना चाहिए क्योंकि आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह को मजबूत करने का विशेष उपाय। 6 राशि बाद वास्तु सेगमेंट में बात करेंगे परिवार में रहे सुकून क्या करें इसके लिए विशेष उपाय। कार्यक्रम का अंत होगा आज का एस्ट्रो ज्ञान। आइए शुरुआत करते हैं आज गुरु मंत्र से। गुरु ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति हमारे शिक्षा, धन, हमारे विवाह और संतान के कारक माने जाते हैं। माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं, पीपल की जड़ में जल अर्पित करें, चने की दाल का दान करें, गुरुवार का व्रत करें और पीले वस्त्र धारण करें। इस दिन नमक का सेवन न करें। पीले रंग का पकवान जैसे बेसन के लड्डू, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 11 मिनट तक जाप करना देवताओं के गुरु बृहस्पति के बल को मजबूत करता है और आपकी जीवन में या आपकी कुंडली में गुरु का कोई कमजोर अंश है तो वो पूरा करता है। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 4:03 तक आर्द्रा नक्षत्र और फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन गंड योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ भी मिलेगा। वहीं आपकी राशि वृषभ सिंह वृश्चिक और कुंभ है तो आपको शश योग का लाभ मिलेगा। मिथुन कन्या धनु और मीन है तो हंस योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे और आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौघड़िया है और शाम को 5 से 6 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। कोशिश करें दोपहर 1:30 से 3 बजे तक राहु काल में शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। प्रिय साथियों, आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज दोस्तों से मदद मिल सकती है या मदद करनी पड़ सकती है। बिजनेस विस्तार के लिए डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने का प्रयास करिए। स्ट्रांग व्यावसायिक पार्टी द्वारा आपको बेहतरीन ऑफर मिल सकता है। नया काम करने जैसी प्लानिंग बन सकती है। सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 के बीच में बड़ी डील कर सकते हैं। माहौल अनुकूल बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग कल्चर में बहुत अनुभवी लोगों की सलाह से परिवर्तन हो सकता है। आप परिवार के कामों में इतने व्यस्त रहेंगे कि काम के लिए थोड़ा बहुत समय भी नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दोपहर बाद कुछ नया और पॉजिटिव कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपके नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी, कर्तव्य क्या है उसे निभाकर आप बहुत अच्छा फील करेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में किसी बात को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन आपको अपने स्थितियों को मजबूत करना ही होगा। आपके प्रयास सफल होने जरूरी है। व्यवसाय में इंटरनेट और फोन, पब्लिक रिलेशनशिप और ऐसी चीजें जो टेक्नोलॉजी से आपको मजबूत बना सकती है उस पर ध्यान दीजिए। किसी पर मोहताज रहने की जरूरत नहीं, खुद सब चीज सीखिए। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग पर गंभीर हो जाएं। पैसा और वक्त जाया नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस पर आप लकीर के फकीर बनने के बजाय कुछ नया करने की कोशिश करें और चुनौतियों से घबराएं नहीं बल्कि डटकर मुकाबला करें, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ प्यार मोहब्बत रखिए, सफलता मिलेगी। अपने घर में चल रही ग्रह कलेश की स्थिति और परिस्थिति पर आपको ही काबू लाना पड़ेगा। आंखों में दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है। जरूरी दवा और भगवान से समय पर प्रार्थना जरूर करें। गुरुवार के दिन घर के बुजुर्गों, शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, बात करते हैं मिथुन राशि की। मन आज थोड़ा विचलित रहेगा। अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता, खुद पर विश्वास न होना, ये सब हो सकता है। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी। दिन बेहतरीन रहेगा और आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। फिर भी आपके मन में दूसरी नौकरी का विचार आ सकता है।
जीवन साथी के साथ नया काम स्टार्ट हो सकता है, दोनों मिलकर प्रोफेशनली आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 के बीच में प्लान करना शुभ रहेगा। कोई बड़ा लाभ आपको शेयर बाजार में मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज उतार चढ़ाव भरा दिन है, थोड़ा पेशेंस रखिए। सर्दी, जुकाम या मौसम का मिजाज आपके खिलाफ है, ख्याल रखना पड़ेगा। बिजनेस में अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें। हालांकि आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी और सही समय पर सही डिसीजन लेकर आप विरोधियों को चारों खाने चित कर देंगे। कर्क राशि की बात करते हैं। नए संपर्क बनेंगे सोशल मीडिया, टहलते वक्त किसी से बातचीत करते वक्त कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिला जाए पता नहीं चलता है, इसलिए सबसे अच्छे ढंग से पेश आए। आपके जीवन साथी बुद्धिमानी की बातें करेंगे और उनकी ही किसी सलाह को सुनकर आपको अपने काम में बढ़ावा करने का मौका मिलेगा, बढ़ावा दिखाने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी है, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में आर्थिक मामलों पर और अधिक मनन और चिंतन करने की जरूरत है। वर्क प्लेस में आपकी उपस्थिति, एकाग्रता का माहौल और अनुशासन आपको तरक्की दिलाएगी। कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। आप लीडरशिप क्वालिटी के धनी हैं, लेकिन थोपिए मत। वर्किंग प्रणाली में थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास जरूर करें और आपके प्रयास आपको काम से जी नहीं चुराना बल्कि टाइम चुराने का मौका देंगे, जिससे आप फैशन, पैशन, हॉबीज में लगा सकते हैं। निकट भविष्य के लिए आज इन्वेस्टमेंट किया जाना शुभ रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी प्लानिंग आज थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सबसे पहले अपने काम को पूरा कर लीजिए। बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए, इस पर विचार करिए। वाशियों के बनने से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा और आपको पैसों का लाभ भी मिलेगा। ऑफिस से रिलेटेड किसी प्रकार की यात्रा संभव है, जो आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगी। काम को लेकर स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में नजर आएंगे, जिससे आप काफी खुश होंगे। अपने कुछ जरूरी कामों को आप भाग्य के सहारे मत छोड़िए, खुद इनिशिएटिव लेकर उसे पूरा करिए। घर में खुशी आएगी और आपकी ज्यादातर प्यारी बातें सबका दिल जीत लेंगी। आने वाली खुशी दस्तक देने वाली, घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें, लाभ मिलेगा। गलत भोजन और गलत समय पर भोजन से परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। वर्कोहोलिज्म, कुछ कर गुजरने की तमन्ना भीतर रहेगी। काम को लेकर स्थितियां अच्छी है, बहुत अच्छी आपको बनानी है। आपके लिए आसान दिन है और जीवन साथी का दिल खोलकर आप मन से प्यार आज एहसास करेंगे, आनंद लेंगे और लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ अच्छी शॉपिंग हो सकती है। खुशनुमा वातावरण बनने वाला है। व्यावसायिक परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल हैं। सुबह 7 से 8 या शाम को 5 से 6 के बीच में कोई नए अनुबंध कर सकते हैं। पैसों से संबंधित लेन देन करना अच्छा रहेगा। ट्रैवल में लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, परफॉर्मेंस ट्रैक पर आ रही है, हंसी मजाक और टाइम वेस्ट करने का काम न करें। बीच बीच में कर सकते हैं लेकिन ज्यादा इस पर ध्यान न दें। आइए अब 6 राशि बात करते हैं। वास्तु सेगमेंट में परिवार छोटा हो या बड़ा, सुकून उन्हें देखकर उनके बीच पहुंचकर ही मिलता है। जिनके साथ हमारे गहरे रिश्ते हैं और उनके साथ बिताया हुआ वक्त आपके लिए बेस्ट टाइम हो, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की फोटो हमेशा ईस्ट फेस की वॉल पर लगानी चाहिए। जब भी किसी बात को लेकर मन उदास हो, डिप्रेस्ड हो, तो मन को शांत रखने के लिए उनको देखिए, आपको खुद रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन मतलब उगते हुए सूरज की दिशा, उजाले की दिशा, ग्रोथ की दिशा, वैसी चमक आपके रिश्तों में देखने को मिलेगी। परिवार के जो सदस्य बुजुर्ग अब आपके बीच में नहीं है, वो आपके स्ट्रेंथ और पावर है, उनकी तस्वीर साउथ वेस्ट के कॉर्नर में लगानी चाहिए। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज भाग्य चमकेगा और काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा। स्किन से संबंधित किसी समस्या कारण आपको परेशानी आ सकती है। बिजनेस में अच्छी मात्रा में धन प्राप्त होगा। यदि आपने कई पैसा इन्वेस्टमेंट किया हो तो आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है या आगे के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी डील मिल सकती है। इसके अलावा पैसों से जुड़ी हुई कोई समस्या भी कम हो सकती है। खर्च और कर्ज को कम करने का मौका मिलेगा। जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर कोई छोटी बड़ी गेट टुगेदर या पार्टी का आयोजन हो सकता है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुलकर हर एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। उनके साथ वक्त बिताएं जिनके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगता है। आज लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ परिवार के साथ दिल खोलकर बात करें और अपने आने वाले भविष्य के लिए आप बात करोगे तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आप मनोयोग से अच्छा म्यूजिक सुन पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, हेल्दी कंपटीशन आज रहेगा और मनोबल ऊंचा होगा। वृश्चिक राशि, अनसुलझे मामले आज सुलझ सकते हैं, इसलिए ऐसा कोई काम करें जिससे आपको खुद अच्छा फील हो। बिजनेस में अधिक मामलों में, आर्थिक मामलों में चिंतन और मंथन करें। प्रॉपर्टी संबंधित सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अत्यधिक कारभार की वजह से तनाव बढ़ेगा। नौकरी में किसी सहयोगी के साथ झड़प हो सकती है। नौकरी में मिला मौका आपके हाथ से छिन सकता है।
काम के सिलसिले में आप मजबूती से डटे रहेंगे और कुछ घर वालों के लिए आज स्पेशल शॉपिंग कर पाएंगे। खर्चों और कर्जों में थोड़ी कमी लानी होगी और आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। विरोधियों को प्रबल होने का मौका मत दीजिए। सावधान रहें, सतर्क रहें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना आज बात बिगड़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी और आज ड्रिंक और ड्राइव कभी नहीं करना चाहिए और आज ज्यादा सावधान रहें ट्रैवल करते समय। धनुराशि, आपके बिजनेस प्रोजेक्ट में लाभ मिलेगा। अनफा योग और सर्वार सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे और पूरा दिल और दिमाग उस पर लगा दोगे, आप जीत कर ही बाहर निकलेंगे। अपने विरोधियों को हराने में आप कामयाब रहेंगे और अपने निजी जीवन में खुशी के पलों का आनंद लेंगे। पति पत्नी बीच मधुरता रहेगी। सभी सदस्यों बीच सहयोग आप प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन इमोशनल अत्याचार आज आपके साथ कोई कर सकता है। बिजनेस में बाकी के प्रबलता के चलते ट्रैवल से बड़ा लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दे, शेयर बाजार से जुड़े हुए मुद्दों में बड़ा लाभ मिल सकता है। जब तक जेब में पैसा ना आए, काम पूरा ना हो, साइलेंट मोड में रहिए, किसी को मत बोलिए, वरना आपको आपकी ही नजर लग जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, खोया हुआ मान सम्मान वापस प्राप्त करेंगे। पहले से बेहतर सेहत होगी। आज नॉलेज आपका बढ़ने वाला है। अनुभवी लोगों से मिलकर अच्छा फील होने वाला है। बात करते हैं मकर राशि की। कोई कर्ज या खर्च परेशान कर रहा था, उससे आज कमी या छुटकारा मिल सकता है। स्टूडेंट, जो चाहते हैं वो दिल से कोशिश करें, आज सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। मार्केट में जनसंपर्क का दायरा बढ़ाएं। बिजनेस पर्सन को आफ्टर सेल सर्विस बेटर करनी चाहिए। बिजनेस में नई पहचान बनेगी। टैक्स और फाइनेंस से संबंधित मुद्दों को पहले सुलझाएं। किसी पार्टी के साथ डील करते समय आपको उसे समझना जरूरी है, वरना रॉन्ग डील हो जाएगी। सरकारी काम में सफलता मिलेगी और इसलिए प्रयासरत रहें। अपने व्यवसाय हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी जरूर रखें। नौकरी में क्लाइंट के प्रति मधुर व्यवहार और संयम रखना अति आवश्यक है। घर परिवार के कार्यों में आपको सहयोग देना और सहयोग लेना वातावरण को सुखद कर देगा। मौसम का मिजाज आपकी सेहत के खिलाफ है, ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, कुंभ राशि की बात करते हैं। आकस्मिक धनलाभ, अचानक से किसी से बेल मुलाकात, रुका हुआ काम पूरा होना, पेंडिंग पैसा मिल जाना, ये सब कुछ संभव है। आज ट्रेंड को देखते हुए मीडिया से संपर्क करना, सोशल मीडिया से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना, व्यवसाय संबंधित ट्रैवल करना और कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में मोटिवेशन का कोई काम करना शुभ रहेगा। किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए परिवार के सदस्यों बीच विचार विमर्श जरूर करें, निश्चित ही आपको अच्छी सलाह मिलेगी। नौकरी पेशा लोग ऑफिस पर अपना उचित व्यवहार बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर केवल एक बात का ध्यान रखें, ज्यादा उकसावे में आकर बुरा भला बोलने से बचिए, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। घर में किसी के आने से रौनक बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में छुट्टियां मनाना, कहीं ट्रैवल करने का मौका है और उसके प्लान आज हो सकते हैं। घर में कोई फंक्शन हो सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज एंजॉय और अपने काम पर पूरा ध्यान रखेंगे। मीन राशि, अगर आपकी कोई जांच चल रही है, विभागीय जांच चल रही है, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपने ऑफिशियल फाइलें और कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। ग्रह स्थिति पूरी अनुकूल नहीं, वरना खो जाएगा। कोई भी काम करते समय बहुत सावधान रखने की जरूरत है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। दिक्कत आने पर किसी वरिष्ठ अधिकारी, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जितनी उम्मीद आप दूसरों से रखोगे, आप ना उम्मीद रहेंगे। जितनी उम्मीद खुद से रखोगे, उम्मीद से बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए तैयार हो जाएं। बिजनेस में वर्तमान परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। नया काम करने के लिए ग्रह स्थिति अनुकूल नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज में पूरा करने के लिए शुभ है। मेरे प्रिय साथियों, आइए कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं आज के अश्व ज्ञान की। अगर आपकी राशि कन्या, तुला, धनु, मकर, कुंभ है, तो आपके लिए शुभ दिन है। मेष, वृषभ, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन सामान्य है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। आज आप लोग कोशिश करें कि पीले आसन पर बैठकर ओम ब्रेम बृहस्पति नमः 3 मिनट तक जाप करें। बहुत पुण्य और लाभ आपको मिलने वाला है। आपकी राशि पर आए हुए संकट दूर होने वाले हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मुझसे पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।